OIC को बाकायदा तहरीरी तौर पर अब तक हम 3 खत लिख चुके हैं, उनका जवाब भी आया है और वो इस पर गौर कर रहे हैं। हमने फीमा फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन जो कि 50 मुल्कों की तंजीम है, हम भी उसके मेंबर हैं। मलेशिया में उसका इजलास था अक्टूबर के एंड में, मैं खुद था वहाँ पे, मैं उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हूँ। तो वहाँ हमने ऑफर किया कि फीमा जो कि OIC में भी बैठती है, उसका एक मेंबर के तौर पे वहाँ बैठती है ख़ास तौर पे हेल्थ के मामलों के हवाले से, तो हमने ऑफर की कि अगर हमें अलाउ किया जाए तो हम एक 50 बेड का फील्ड हॉस्पिटल मिस्र में कायम करेंगे और वहाँ पे गजा से जो लोग बाहर आके वहाँ पे इलाज करवाना चाहेंगे उनका इलाज कर सकेंगे। इसके लिए हमने उनसे बात की है, रिटर्न भेजा है और उस पर वर्किंग हो रही है। और इत्तेफाक से चूंकि ये सारा काम मलेशिया में हो रहा था तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी कहा कि मैं भी इस चीज़ पे काम करता हूँ, और अपने फॉरेन मिनिस्टर को उसने ये ड्यूटी लगाई कि वो भी OIC से भी और हुकूमत मिस्र से भी रब्ता करें और ये इजाज़त लेके दें। ये अगर इजाज़त हमें मिल जाती है तो हमने वहाँ पे वर्किंग कर ली है टर्की से ये फील्ड हॉस्पिटल ख़रीदने की, और अब तक हमारी हमें कोटेशंस मिल चुकी हैं। ये तकरीबन $4 मिलियन का खर्च आएगा उस पर, 1 अरब से ज़ायद की रकम है ये, उस पर ये हम 50 बेड का अस्पताल वहाँ पे शिफ्ट करेंगे सब्जेक्ट टू अप्रूवल या परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट। अगर ये ऐसा हो जाता है जो आपसे मैं कहूँगा कि दुआ भी कीजिएगा ऐसा हो जाए, इसके लिए हमने ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक ऐप लॉन्च की, अलखिदमत और पीमा ने मिलकर लॉन्च की कि वो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर सर्जन जो वहाँ जाकर अपनी वॉलंटेरियली खिदमत पेश करना चाहते हैं वो उस पर रजिस्टर्ड करें, अपने पासपोर्ट नंबर और सारी चीज़ें लिखें। आपकी इतला के लिए अब तक 3000 से जायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पैरामेडिक्स उस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वो उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है, उनकी सारा डाटा हमारे पास है और जब भी ये अस्पताल हम कायम कर सकें या किसी और तरीके से वहाँ अंदर जाके अगर हम मेडिकल एड मुहैया करने की पोजीशन में हुए तो ये लोग हमारे साथ तैयार हैं, ये वॉलंटेरिली वहाँ जाएंगे। पाकिस्तान के डॉक्टरों की ये बड़ा इशार है, वो बार बार पूछते हैं। सिर्फ आपकी इतला के लिए 75 से जायद ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो जाना चाहते हैं, तो ये काम हमारा चल रहा है, ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल या परमिशन बाई OIC एंड ऑफ कोर्स इजिप्ट गवर्नमेंट।